हरदोई के जिला अस्पताल के बाहर दोपहर एक महिला व पुरुष में किसी बात को लेकर झड़प हो गई। देखते ही देखते झड़प मारपीट में बदल गई। महिला इतनी क्रोधित हुई कि उसने चप्पल निकालकर पुरुष की पिटाई शुरू कर दी। महिला के अन्य साथियों ने भी युवक को जमकर धुन दिया। करीब आधे घंटे तक यह मारपीट चलती रही। इस दौरान वहां हड़कंप मचा रहा और बड़ी संख्या में तमाशबीन इकट्ठे हो गए। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देखिए आप भी ये मारपीट का वीडियो। मारपीट के बाद युवक बेहोश हो गया और दूसरा युवक लहूलुहान हो गया। दोनों युवक सिंडीला कोतवाली क्षेत्र के हैं। सिंडीला थाना क्षेत्र के अरसलिया गांव निवासी शुभम द्विवेदी का रमेश द्विवेदी से किसी बात को लेकर विवाद था। इसी विवाद में दोनों पक्ष में मारपीट हुई थी, जिसमें शुभम को भी चोटें आई थी और उसी चोट से सीटी स्कैन के लिए शुभम व उसका साथी विदुर जिला अस्पताल पहुंचा था। शुभम के मुताबिक यहां पर उसके विपक्षी रमेश, सूरज, प्रमोद, पिंकू, राहुल व अर्चना आदि भी पहुंच गई। किसी बात को लेकर दोनों पक्ष पर फिर जिला अस्पताल के बाहर भिड़ंत हो गई और वाद विवाद का मामला मारपीट में बदल गया। देखते ही देखते एक पक्ष की महिला ने दूसरे पक्ष को चप्पल से मारना शुरू कर दिया। इसके बाद मौजूद लोगों ने शुभम व विदुर को जमकर पीट दिया। करीब आधे घंटे तक चले इस विवाद में शुभम लहूलुहान हो गया, जबकि विदुर बेहोश हो गया। इसके बाद वह लोग भाग निकले। किसी तरह से शुभम लहूलुहान हालत में एसपी ऑफिस पहुंचा। यहां से शहर कोतवाल की पुलिस उसे अपने साथ लेकर गए। मामले में एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि दूसरा मुकदमा मारपीट का शहर कोतवाली में दर्ज किया जा रहा है। हम आए थे संदीला थाने से, यहां भतीजे की डाकटी होनी थी। हम लोग चाय बैठे पी रहे थे, हमारे अपोजिट 7-8 लोग यहीं थे और हमको फील्ड में गिरा के मारा। हेलमेट था, उनके पास चाकू थी। गिरा काफ़ी हमारी लोगों की वीडियो बगल वालों ने बनाया है। हमको डॉक्टर साहब ने 2 इंजेक्शन लगाए। उन्होंने कहा जाइए FIR अपनी कीजिए। आप कहाँ आए हो आप? हम यहाँ CO ऑफिस में आए हैं। कार्रवाई संडीला थाना क्षेत्र के दो गुट आपस में अड़ोसी पड़ोसी थे, तो द्विवेदी बंधु, इन लोगों के बीच में आपस में मारपीट हुई थी संडीला में। और कोई विशेष बात नहीं थी, बस वो कोई माइक बजा रहे थे जन्माष्टमी के दिन। उसका मुंह इनके घर की तरफ था, तो उसको शिकायत करने के लिए उसका मुंह घुमा दिया गया था दूसरी तरफ। उसी बात को लेकर के कुछ आपस में खुन्नस थी, सुबह मारपीट हुई। उसके बाद उनको वहाँ से मेडिकल के लिए भेजा गया। यहाँ पे दोनों पक्ष फिर आमने सामने हो गए, तो उसमें कुछ हाथापाई हुई है, उसमें भी उनका मेडिकल कराया जा रहा है। और यहाँ पे भी एक मुकदमा कोतवाली शहर में कायम करवाया गया। फिर कहाँ मारपीट हुई थी? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लोग बीच में आपस में मारपीट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।